और बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर कांड में नारायण सिंह भदौरिया गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने भदौरिया के साथ दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भदौरिया पर हिस्ट्री शीटर को भगाने का आरोप है। पुलिस हिरासत से हिस्ट्री शीटर को भगाने का आरोप है। वायरल वीडियो में नारायण सिंह भदौरिया नजर आ रहा था, अब देखिए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर को भगाने के आरोप में नारायण सिंह भदौरिया को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी है? देखिए विद्या, नारायण सिंह अपने दो साथियों के साथ नोएडा में छिपा था और कुछ देर पहले ही हमको ये जानकारी मिली है कि पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस हिस्ट्री शीटर को, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, मनोज सिंह, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर की नौबत्ता की पुलिस की टीम थी, उसने दबिश डालकर उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बीजेपी के नेता का नाम आया था और अभी कई लोग ऐसे वीडियो में थे जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो लोग इसमें शामिल थे, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार उनके लिए पुलिस दबिश दे रही है और कुछ देर बाद ये भी हमको पता चलेगा कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी कि नारायण सिंह को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए नहीं, उसकी भी रिपोर्ट थोड़ी देर में आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित आपका। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर को भगाने के आरोप में गिरफ्तारी हो गई है भदौरिया की, नारायण सिंह भदौरिया, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिस्ट्री शीटर को भगाया।